और सफलता की पहली शर्त है, याद रखिएगा, पहली कि हमें किसी एक चीज पर एकाग्र होकर के उस पर काम करना है। दरअसल हम एक संक्रमण के दौर में हैं। पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो अपने भीतर की कमजोरियों से दो चार होते हो और मजबूत बन के बाहर निकलते हो। एक सपने के टूट जाने और दूसरे सपने के बनने के बीच में जिंदगी खड़ी होती है। यहाँ 3:30 बजे आ जाइएगा, सचिन तेंदुलकर यहीं मिलते हैं। जब अपने लक्ष्य के प्रति इतनी एकाग्रता होती है तब कोई सचिन तेंदुलकर बनता है। तो आप शांत हो जाइए थोड़ा सा। तो आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सबको इसलिए क्योंकि शिक्षक परिभाषित होता है अपने विद्यार्थियों से। रामकृष्ण को दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि उनके शिष्य विवेकानंद थे। गोखले को इतिहास इसलिए जानता है कि उनके शिष्य गांधी थे। द्रोणाचार्य को कालखंड में इसलिए याद किया गया क्योंकि उनके शिष्य अर्जुन थे। तो शिक्षक परिभाषित होता है विद्यार्थियों से, इसलिए आप सबको ढेर सारी बधाई है। और कहा भी गया है मुझे कि बहुत शॉर्ट में बोलना है, पहले ही एक तो एक बात आपसे करनी है। सबसे शॉर्ट में ये बात है, एक चीज हमने महसूस किया है और बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा। एक हमने महसूस किया है इस पीढ़ी में, दरअसल हम एक संक्रमण के दौर में हैं और ये संक्रमण पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज दिख रहा है, बहुत तेज चीजें बदल रही हैं। हम लोग सुनने अधिक लगे हैं, पढ़ने कम लगे हैं। विद्यार्थी समाज इस बात का विशेष ध्यान दे। इस दौर के विद्यार्थी सुनने अधिक लगे हैं, पढ़ने कम लगे हैं, वो धीरे धीरे किताबों से कटते जा रहे हैं। तो आप लोग आज से इस बात को यहां से संकल्प करके जाइएगा कि धीरे धीरे आप लोग पढ़ने से जुड़िए, क्योंकि पढ़ना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ही जरूरी नहीं है। पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो अपने भीतर की कमजोरियों से दो चार होते हो और मजबूत बन के बाहर निकलते हो। पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ते हो, समझना बात को, जब आप पढ़ते हो तभी ये जान पाते हो कि ये दुनिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर ही नहीं है। दुनिया खेत खलिहानों में है, बाजारों में है, चौराहों में है और यही असली दुनिया है। अपने स्टेटस में हैप्पीनेस लिख देने से कोई हैप्पी नहीं हो जाता है, हैप्पी होने के लिए काम करना पड़ता है, खुशियों के लिए मुकम्मल इंतजाम करने पड़ते हैं। अपने स्टेटस में सक्सेस लिख देने से कोई सफल नहीं हो पाता, उसके लिए युद्ध लड़ने पड़ते हैं। ये सब बातें आप तभी जान पाओगे जब आप पढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे तो माफ करना भी सीख जाओगे और जब आप पढ़ोगे तो महत्वाकांक्षाओं के दबाव में जीना भी सीख जाओगे। याद रखिएगा, आप पर महत्वाकांक्षाओं का बहुत दबाव है, परिवार का दबाव है, समाज का दबाव है, आपके खुद के दबाव है। आप ढेर सारे ऐसे दबाव में जी रहे हैं जो झूठे हलफनामे हैं, सच से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये आप तभी जान सकते हैं जब आप पढ़ेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो जो सबसे बड़ा सबक आपको मिलेगा, एक सपने के टूट जाने और दूसरे सपने के बनने के बीच में जिंदगी खड़ी होती है। समझ में आ रही बात? ये आप पढ़ोगे तभी जानोगे। तो एक छोटी सी बात और एक छोटी सी बात और, इजाजत है ना थोड़ा सा? हाँ, एक छोटी सी बात और, ठीक ठीक, बहुत छोटी सी बात जो हमने महसूस किया जो आपसे करनी चाहिए। अब शांत रहिए। एक चीज और जो इस युवा पीढ़ी में हम देखते हैं, एक बात तो आपको पढ़ना शुरू करना, किताबों से जुड़ना शुरू करना, दूसरी बात, एक दौर चला है जिसमें हमारा नौजवान सब कुछ होना चाहता है। थोड़ा सा वो विद्यार्थी बनना चाहता है, थोड़ा सा क्रिकेटर बनना चाहता है, थोड़ा सा लीडर बनना चाहता है, थोड़ा सा एक्टर बनना चाहता है और थोड़ा सा आशिक बनना चाहता है। ठीक, ये आशिकी की बीमारी तो कोरोना से भी तेज फैल रही है। ठीक, और मुकम्मल रूप से ले दे के वो कुछ नहीं बनता। जानते हो ऐसा क्यों होता है? अब बताता हूं मैं। एक ऐसा इसलिए होता है कि हम किसी एक चीज पर एकाग्र नहीं हो पाते। और सफलता की पहली शर्त है, याद रखिएगा, पहली
कि हमें किसी एक चीज पर एकाग्र होकर के उस पर काम करना है। अब सवाल ये उठता है, जो असली बात अब शुरू हो रही है, सवाल ये उठता है ये एकाग्रता मिलती किस मेडिकल स्टोर पर है, ये मिलती कहाँ से है। दुनिया में कोई भी सक्सेस होगा, दुनिया में कोई भी सक्सेस होगा बिना एकाग्र हुए सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये एकाग्रता मिलती कहाँ से है। एक सेकेंड की एक घटना बता रहा हूँ। जिस दिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला तो महाराष्ट्र का एक पत्रकार बहुत परेशान था कि आज उनके साथ एक तस्वीर ले ले। अब उस दिन तो भारत रत्न मिला था, वो बहुत बिजी थे, मुख्यमंत्री राज्यपाल आ रहे थे, सुरक्षा का कारण था तो उसको नहीं जाने दिया। तो उसने सोचा उन लोगों से एक स्टोरी बना लेते हैं जो सचिन को करीबी से जानते हैं। तो पहुंचा वानखेड़े स्टेडियम जहां सचिन तेंदुलकर अभ्यास किया करते। तो एक दो लोगों से उसने बात किया कि आप सचिन को जानते हो। तो एक व्यक्ति ने पूछा आप बात क्या है, आप जानना क्या चाहते हैं। बोला इच्छा थी कि मैं सचिन तेंदुलकर के साथ एक तस्वीर खिंचवाऊं, आज भारत रत्न मिला है लेकिन कहां मुलाकात हो पाएगी। तो वो वहां का स्टेडियम साफ सफाई करने वाला था, उसने बोला बड़े मूर्ख हैं आप, यहां 3:30 बजे आ जाइएगा, सचिन तेंदुलकर यहीं मिलते हैं। उसने बोला 17 साल से नौकरी कर रहा हूं मैं, 3:30 बजे देखता हूं। जब मुंबई में भारी बरसात हुई थी तो भी वो आए, मैदान में प्रैक्टिस करने नहीं जाते हैं लेकिन यहाँ स्टेडियम में खड़े रहते हैं, अपना बैट वेट लेकर के बांध ओद करके खड़े रहते हैं। तो वो व्यक्ति खड़ा रहा और दूसरे दिन 3:30 बजे सचिन तेंदुलकर पहुँचे थे। जब अपने लक्ष्य के प्रति इतनी एकाग्रता होती है तब कोई सचिन तेंदुलकर बनता है। अब आपको कहाँ से मिलेगा, अब समझना, हम तो शिक्षक हैं, हम तो वो रेमिडी बताना हमारा धर्म है कि हम बताएं कि आपको एकाग्रता कहाँ से मिलेगी। तो एकाग्रता को प्राप्त करने का एक तरीका है कि आपको शांत मन से अकेले रह करके खुद से बातचीत करके आपको ये ढूंढना होगा कि क्या काम करने में आपका मन लगता है। अगर पढ़ाई में मन लगता है पढ़ाई कीजिए, बांसुरी बजाने में मन लगता है बांसुरी बजाइए, क्रिकेट खेलने में मन लगता है क्रिकेट खेलिए, जो करने में मन लगता है। क्योंकि जब आप अपने मन वाला काम करते हैं तभी आप एकाग्र हो पाते हैं, अन्यथा दुनिया में आपको एकाग्र करने का कोई तरीका नहीं। गीता में एक बात कही गई है ना, धर्म रक्षति रक्षते। गीता जिस धर्म की बात कर रही, वो पूजा पाठ की बात कर रही, वो व्यक्ति के स्वधर्म की बात कर रही है। आप जिस काम के लिए बने हैं उस काम को पहचानिए, आप अकेले बैठिए, खुद से बातचीत संवाद कीजिए और याद रखिएगा आप यदि अपने स्वधर्म की रक्षा करेंगे तो आपका स्वधर्म भी आपकी रक्षा करेगा। इसी को कहा गया है धर्म रक्षति। तो एकाग्रता पर जोर दीजिए, पढ़ाई पर जोर दीजिए और थोड़ा सा इस जवानी में धैर्य रखिए। मैं देखता हूं एक प्रीलिम्स फेल किए, एक मेंस फेल किए, विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, ठीक। एक शायर ने लिखा कि वतन की रेह मुझे एंडिया रगड़ने दे, मुझे यकी है कि पानी यहीं से निकलेगा। धैर्य समझते हैं ना, ठीक, थोड़ा सा धैर्य रखिए और धैर्य रखने के साथ साथ अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए। पुरुषार्थ जानते हो किसे कहते हैं, ठीक। पुरुषार्थ की परिभाषा होती है, वेद में लिखा है, ऋग्वेद में, एको हम बहुश्यामी, एक है बहुत होना चाहते हैं। वही मनुष्य पुरुषार्थी है जो एक से बहुत होना चाहता है। आप घर से निकलकर इस क्लासरूम तक आए हैं क्योंकि आप एक से बहुत होना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने भीतर पुरुषार्थ रखिए, अपने उद्देश्य बड़े रखिए, अपने उद्देश्य कल्याणकारी रखिए। क्योंकि जब आप कल्याणकारी और बड़े उद्देश्यों से किसी काम को करते हैं तो आपके साथ समस्त प्रकृति भी काम करती है आपको सफल बनाने के लिए। समझ में आ गई बात नहीं? तो क्या चाहते हैं आप, अपनी सफलता के लिए स्वयं काम करें या आपकी सफलता के लिए पूरी सृष्टि लग जाए? तो पूरी सृष्टि को अपनी सफलता के लगाने के लिए आपके कार्य के जो उद्देश्य होने चाहिए वो बड़े होने चाहिए, वो कल्याणकारी होने चाहिए। तो पवित्र उद्देश्य बनाइए, महान उद्देश्य बनाइए, किताबों से जुड़िए, एकाग्र होइए, सफल होइए। क्योंकि आपकी सफलता में हमारी सफलता निहित है, हम परिभाषित किए जाएंगे आप लोगों से। तो एक बार और आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयां।